ड्यूक 250 BS4 का मीटर है ये, और इसका डिस्प्ले आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन आ रहा है केवल। इसका हमने डिस्प्ले चेंज किया और इसमें हमने बैकलाइट न्यू डाला। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक शर्मा, स्वागत है आपका मेरे चैनल शर्मा डिजिटल मीटर रिपेयर में। तो ये फटाफट से इसको बॉक्स को खोलते हैं। बॉक्स में जैसा कि आपने पहले देख ही लिया है, इसमें ड्यूक 250 का मीटर है। ये मीटर थोड़ा वाटर डैमेज होने की वजह से इसका डिस्प्ले जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है और बैकलाइट भी ख़राब हो गया है। तो फटाफट से अभी एक बार इसको ओरिजिनल कंडीशन में मैं आपको चला के दिखा देता हूँ कि मीटर में फ़िलहाल कितना आ रहा है। डिस्प्ले तो खैर इसका जा ही चुका है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो इसके कनेक्शन थोड़े से अलग हैं। एक्चुअली इसी टाइप में तीन चार इन्होंने केबल निकाल दी है, सब में कनेक्शन अलग अलग कर दिए हैं इन्होंने, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होती है। कलर मुझे ज़्यादा याद नहीं रहते इन चीज़ों के। बाकी मीटर में डायरेक्ट पीछे से सॉकेट में कहाँ पे कनेक्शन होते हैं वो मुझे अच्छे से पता है। तो देखिए, मीटर मैंने ऑन कर दिया है और आप देख सकते हैं मीटर की सभी लाइटें वर्क कर रही हैं, केवल एक डिस्प्ले की जो लाइट है वो नहीं चल रही है, और डिस्प्ले में सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन आ रहा है। मतलब जिस एरिया में आपका माइलेज कैलकुलेटर वगैरह वो सब चलता है, जिसमें रेडी टू रेस लिख के आता है, सिर्फ वही डिस्प्ले चल रहा है, बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं आ रही है। लाइक आपका गियर, आपका स्पीड, RPM, पेट्रोल, हीटिंग, वो कुछ भी नहीं बता रहा है। टोटल ऑडोमीटर वगैरह कुछ नहीं बता रहा है। और ये डिस्प्ले भी मैं ख़राब इसे क्यों कह रहा हूँ अभी आप देख रहेंगे। ये देखिए, मैं इसको सेंटर से थोड़ा सा इसको प्रेस करूँगा और इसकी हालत देखना कैसी हो जाएगी। ये देखिए, ये पूरा ही गायब होने को हो जाता है। तो ये तो डिस्प्ले हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे, डिस्प्ले तो हम इसका चेंज ही करेंगे। तो फटाफट से इसको ओपन कर लेते हैं। ये इसके 5 स्क्रू ओपन करके और पीछे सॉकेट निकाल के हमने मीटर अलग कर दिया है इसका। और अभी हम इसको एक बार ऐसी ही कंडीशन में एक बार वापस से एक बार लगा के चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तो आप देख ही लेंगे, इससे अलग एक आपको बात बता देता हूँ। अगर आप कोई भी मुझसे अगर आपका कोई भी काम कराना चाहते हैं आपके मीटर में, तो सबसे पहले आप मुझे आपके मीटर का एक वीडियो बना के भेजिए चाबी ऑन ऑफ करते टाइम, और वीडियो व्हाट्सएप पर भेजकर ही कॉल कीजिए प्लीज़। मेरे पास ना मोस्टली जो कॉल आती है वो ऐसी आती है, अरे सर आप कहाँ से हो, अरे सर आप कहाँ से हो। अरे भाई, मैं हर वीडियो में बता चुका हूँ, आप भारत में कहीं से भी हैं, आप कुरियर द्वारा मीटर भेज के रिपेयर करवा सकते हैं। मेरी लोकेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुरियर चार्ज में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप मेरे ही स्टेट के हैं तो आपका 100 रुपये कुरियर चार्ज लगेगा। अगर आप मेरे स्टेट से कहीं बाहर के हैं, नज़दीकी किसी स्टेट के हैं, तो 150 लग जाएगा। कहीं किसी दूर स्टेट के हैं तो आपका 160 रुपये लग जाएगा। लाइक वेस्ट बंगाल, ये हिमाचल, बिहार वगैरह, इन सब साइड का। और अगर आप हैं उड़ीसा साइड के, तो आपका 180 रुपये एक साइड का कुरियर चार्ज लगने वाला है। कुरियर चार्ज दोनों साइड का कस्टमर का ही होगा, मेरा सेपरेट रेट अलग रहता है। और मेरे पास कोई भी आप मीटर भेजें, मेरे पास मीटर भेजने से पहले आपको पता होगा, मैं पहले ही आपको बता दूंगा कि आपके मीटर में लगभग कितना खर्चा आने वाला है। मिनिमम मैक्सिमम एक रेट आपको दे दूंगा, और उस रेट के अलग अगर थोड़ा भी खर्चा आता है या किसी वजह से, वैसे तो मैं 99% मेरा स्कोर रहता है मीटर रिपेयर करने का। मेरे पास जो मीटर आता है मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरे पास से रिपेयर होके ही जाए, क्योंकि अगर मीटर रिपेयर नहीं होता है तो मैं उससे कोई चार्जेस अपना, कोई टेस्टिंग चार्जेस वगैरह नहीं लेता हूँ। तो इसलिए मुझे भी थोड़ा ऐसा रहता है कि मीटर रिपेयर होगा तो ही कुछ फ़ायदा होगा, तो मैं भी इसलिए अपना पूरा बेस्ट दे पाता हूँ। और बाकी कोशिश यही रहती है मेरी कि सभी मीटर रिपेयर हो जाएं, और मैं कभी भी कोई बोर्ड वगैरह दूसरा ऐसा चेंज वगैरह नहीं करके देता हूँ। 99% तो नहीं करके देता हूँ, बहुत कम चांस होते हैं ऐसे जो कहीं से छेड़ा छाड़ी करने की वजह से ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं मीटर, और तब कभी कभी चेंज करना पड़ता है, और उसमें भी बहुत रेयर केस है। नहीं तो KTM वगैरह के मीटर तो मैं मोस्टली रिपेयर ही कर देता हूँ, कितना भी छेड़ा हुआ हो, बस कस्टमर का थोड़ा खर्चा बढ़ जाता है। तो इसलिए आप प्लीज़ मुझे आपके मीटर का वीडियो बना के भेजिए, और वीडियो भेज के कॉल कर लीजिए। जो भी डिटेल रहेगी मैं आपको दे दूंगा व्हाट्सअप पर कॉल नहीं करेंगे, और आप ऐसा बोलेंगे कि हमने व्हाट्सअप पर मैसेज किया था आप रिप्लाई नहीं कर रहे, तो बस ऐसा तो रिप्लाई सही में नहीं दे पाऊँगा। मेरे पास अभी नियर अबाउट, ये जो मैं वीडियो अभी अपलोड करूँगा आप उस दिन से काउंट करेगा, फिलहाल मेरे पास 9000 नियर अबाउट मैसेज इकट्ठे हो चुके हैं, जो कि अनरीड हैं। सबके मैसेज मैं रीड नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ये देखिए, इसमें मैंने डिस्प्ले चेंज कर दिया है, और बैकलाइट भी हमने इसमें चेंज कर दिया। ये इसका पुराना डिस्प्ले है जो कि कस्टमर को रिटर्न चाहिए, तो मैंने रेडी करके रख दिया है। हालांकि इस तरीके से रिटर्न मैं कभी दे नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं R&D के लिए रख लेता हूँ अपने पास डिस्प्ले।
और आप देख सकते हैं मीटर हमने पूरा इसका प्रॉपर रिपेयर कर दिया है, तो अभी बस इसको फिट करना बाकी है। KTM का मीटर मैं अपने आप से इसमें एक एनाबॉन्ड शील्ड बना देता हूँ साइड में, ताकि साइड से और टॉप कवर से, अगर टॉप कवर मैं नया डाल रहा हूँ तो साइड से और ऊपर से पानी नहीं जाएगा, बट फिर भी कुछ लोग पीछे से रबड़ जो है वो कट करके देते हैं, तो उनको एक चीज़ बता देता हूँ मैं कि पीछे वाली रबड़ से भी पानी अंदर चला जाता है जब आपका रेडिएटर हीट होता है। रेडिएटर पे जैसे ही आपका पानी पड़ेगा वो पूरा वेपर बना के ऊपर उड़ा देगा और वो पानी आपके मीटर के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको आपका अगर आपकी रबड़ काट भी दी है किसी मैकेनिक ने, तो आपको उसको अच्छे से पैक करना है जब आप उसको फिट कर रहे हो बाइक में। तो इन कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, जैसे कि प्रेशराइज वाटर नहीं मारना होता है मीटर के ऊपर, बारिश में खड़ा नहीं करना होता है गाड़ी को, चलाओ आप कितना भी, चलाने से पानी नहीं जाता। तो अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी कोई भी बाइक है डिजिटल मीटर वाली, आपका मीटर कभी ख़राब नहीं होगा। एक हाई वोल्टेज से मीटर ख़राब हो जाता है तो उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता, फिर भी जितना हो सकता है उतना ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स, ये रही इसकी फाइनल टेस्टिंग, और कैसा लगा मेरा वीडियो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी, कुछ आपकी यूज़ में आती है तो प्लीज़ कमेंट में लिख के अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मीटर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।